आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। नेशनल कैपिटल दिल्ली से ये लगभग 206 किलोमीटर दूर है और उसके साउथ में स्थित है। और जिस स्टेट में ये पड़ता है वो है उत्तर प्रदेश। उस स्टेट की कैपिटल है लखनऊ। उससे लगभग 378 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में ये स्थित है। और इंडिया का 24th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। हाय एवरीवन, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं सौम्यास कुकून। अगर मुगल काल की बात करें तो उस वक्त आगरा का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था और मुगलों ने आगरा को अपनी कैपिटल बना रखी थी। और उस वक्त ये पढ़ने पढ़ाने का काफ़ी बड़ा सेंटर बन गया था, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजन या जो भी उस वक्त चीज़ों का यूसेज था उस बारे में पढ़ाई करने के लिए आगरा एक बहुत बड़ा सेंटर था। क्योंकि यह स्टेट कैपिटल थी मुगलों की, तो ऑफ कोर्स ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो सारी चीज़ें जैसे जो आज दिल्ली है या कोई भी स्टेट कैपिटल है वैसा कुछ आगरा था। फिर यहाँ पर है आगरा फोर्ट सिकंदरा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो आप सबको पता है, ताजमहल। शाहजहां ने अपने दादाजी अकबर को मान देने के लिए आगरा का नाम अकबराबाद रखा था। यहाँ पर बाबर से लेकर शाहजहां तक आगरा को ही कैपिटल इन सारे रूलर्स ने बनाया। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। लेकिन जब औरंगजेब तख्त पर आए तो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया आगरा से दिल्ली की तरफ। मुगल काल के पतन के बाद आगरा पर जाट्स, मराठास और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत करी। यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये है जेपी होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि आगरा में स्थित है। यहाँ पर वैसे तो खाने पीने के लिए 7 अलग अलग कैफेज और रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं, बट बेसिकली 4 रेस्टोरेंट्स हैं। एक तो है चाइनीज़ और दूसरा द ग्रैंड बूफे। द ग्रैंड बूफे आप एक तरीके से कह सकते हैं, ये 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मेन्यू यहीं से सर्व होता है और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब कुछ सर्व करते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली इंडियन कुजीन का सब कुछ मिल जाएगा, जैसे ब्रेकफास्ट में आपको पोहा, उपमा एंड व्हाट नॉट, जो जनरली आपको बूफे में सर्व किया जाता है वो सब कुछ मिलता है। और शेफ से ऑन डिमांड भी आप चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हैं, लाइक ऑमलेट और डोसा और चीला, वॉट एवर यू फील लाइक हैविंग। एक और रेस्टोरेंट है पात्र, फिर कैफ़े है पवेलियन, तपस नाम से यहाँ पर बार है और एक है टी लाउंज और फाइनली एक है एक्वा ग्रिल। तो ये सारे 7 अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट और चॉइस के हिसाब से इनमें से कहीं पर भी जाके जो भी आपको खाना पीना है उसे ऑर्डर करके ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी अपना इवेंट प्लान कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉर्पोरेट मीटिंग्स या शादी, एंगेजमेंट, किसी भी तरीके की बर्थडे पार्टीज़, हाई टी या डिनर, वॉट एवर यू फील लाइक, आप यहाँ पे इनसे बात करके सब कुछ बुक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एंड नाइस प्रॉपर्टी। ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पे लॉन भी है और अंदर इंडोर डाइनिंग ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स नियर बाय। अगर आप आगरा के आसपास या कुछ ऐसा एनीथिंग इन द ताज सिटी प्लान करना चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक डाइन अंडर द स्टार्स का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे प्री बुक करके अपनी टेबल बुक करके और लॉन में अपना एक लंच या डिनर, वॉट एवर यू सूट्स यू, आप उसको अरेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री पपेट शो भी होता है, जिसमें कि आपको वो पपेट्री करते हैं और उसका शो दिखाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आगरा के बारे में बताया, मैं वहाँ रिसेंटली गई थी तो जो भी मैंने वहाँ देखा और आगरा के बारे में समझा और जहाँ पर मैंने स्टे किया था, दैट इज़ जेपी होटल, उसकी आपको सैर कराई
और आपको थोड़ा बहुत उसकी ग्लिम्सेस दिखाई। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो द ग्रैंड बूफे करके इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मेरे एक तो असॉर्टेड वेजिटेबल्स में और दूसरा उपमा में एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा निकला था। ट्वाइस इट हैपेंड। तो हमने वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाई और फिर शेफ ने अपोलोजाइज़ किया। सॉलिड वेजिटेबल्स तो उन्होंने चेंज कर दिए, पूरे फ्रेश बना कर लाए, और उपमा को वो रिप्लेस करने के लिए कह रहे थे, बट बाय दैट टाइम वी डिनाइड इट। हमें इतनी भूख भी नहीं थी, बट टू मेक अप फॉर दैट उन्होंने हमें जाने के पहले एक मतलब लंच बॉक्सेस टाइप के दिए, जिसमें दे गेव अस अ फ्रूट ड्रिंक और कुछ चिप्स और शायद कोल्सलो सैंडविच था। तो दिस इज़ समथिंग विच आई थॉट कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो जस्ट वॉच आउट फॉर वॉट एवर यू आर ईटिंग। हो जाता है, ह्यूमन एरर है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अभी तक आपने सौम्यास कुकून को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दीज वीडियोज़ विद होम सो एवर यू वॉन्ट टू शेयर दीज विद। आपसे जल्दी ही मिलूंगी मैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड ऑन सौम्यास कुकून। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय।